सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज वीडियो आम डिस्कशन करवा 100टा इंपोर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन आपंकर फिजिक्स 50टा डिस्कशन करवा प्लस केमिस्ट्री 50टा डिस्कशन करवा। तो वीडियो को आप फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कर दिंतु, आ चैनल को जदि नुआ आ तो चैनल को फास्ट सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, प्रत्येक क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबाई। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। सो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपंप तो आम देखते एतिक जाए डिस्कसन कर देते 50 जाए, तो आज आम डिस्कसन करा 51 टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप रहा, फ्रॉम दि मून्स सरफेस एस्ट्रोनॉट सी ए ब्लैक स्काय। तो आपंकर मून सरफेस रु सो आपंकर जो मैंने महाकाश को जाती से आपंकर केमी देखि ब्लैक स्काय, सो आपंकर सी ए ब्लैक स्काय मैंने आपंकर पचार। तो आपड़े आप मून सरफेस को जाती तो आपंकर आस्ट्रोनॉट मैंने आपंकर जो स्काय आपन को कौन देखा जाए ना पूरा मैंने ब्लैक देखा जाए। तो कारण कौन ना कारण होजी आबसेन्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन मून। तो आपंकर मून रे आपंकर कौन न था ना एटमॉस्फेयर न था, तो से ब्लैक देखा जाए। फ्रॉम द मून्स सरफेस एस्ट्रोनॉट सी ए ब्लैक स्काय। तो आप मून सरफेस रे कौन न थिवारु ना एटमॉस्फेयर न थिवारु तो स्कायटा ब्लैक देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट आप द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वेयर भारी जुई। तो आपंकर गोटे वेयर रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंसटा केमी भारी करे ना आपंकर विभिन्न प्रकार मटेरियल रो विभिन्न प्रकार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थाए, तो मटेरियल को लेकिन आपंकर भारी करथाए। नेक्स्ट पॉइंट आप द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज्ड विद द राइजिंग। तो आपंकर लाइट रो स्पीड था केमी मैंने आपंकर डिक्रीज कर आपंक देला द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज्ड विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम ट्रू और फॉल्स। आपको कही स्पीड ऑफ मैंने लाइट स्पीडटा डिक्रीज करदेव कौन डिक्रीज करते टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इनक्रीज कर। तो आपंकर कौन लाइट स्पीडटा डिक्रीज करते कौन हम ना आपंकर टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इनक्रीज कर। तो यह आपंकर मैंने करेक्ट स्टेटमेंट ना आपड़ा इनकरेक्ट, तो मन रखिए यहाँ हूँ आपंकर इनकरेक्ट। कारण आपतले कौन ना आपंकर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करते आपंकर इट रिमेन्स अनचेंज। सो आप कौन हम ना किसी चेंजेस हेनी तो अनचेंज रहा। नेक्स्ट पॉइंट आपला ह्विच ऑफ दि ह्विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सबुठ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आम जब देखा आम नेचर रे सबुठ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ सबुठ न्यूक्लियर फोर्स हूँ सबुठ स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला ह्विच डिवाइस इज यूज टू मेजर दि टेम्परेचर ऑफ दि सन। इंपोर्टेंट सो सन टेम्परेचर मापापी को आम क्यों डिवाइस यूज कर था तो मन रखिए आम पायरोमीटर यूज कर था कौन यूज कर था पायरोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला ह्विच फेनोमेनन ऑकर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ए डेंसर टू रेयरर मीडियम। इंपोर्टेंट तो आपको कही जिते बड़े गोटे लाइट गोटे डेंसर मीडियम रु रेयरर मीडियम को पास कर सेतले क्यों फेनोमेनन आपंकर देखा जीव। तो मन रखिए से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा जीव जितेबाला लाइटा कौन हम ना डेंसर मीडियम रु रेयरर मीडियम को आसीबो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आम जब कह तो आप मन रखिए मिरेज फॉर्मेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है तो आपन एगुटा सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला ह्विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ दि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू। तो मैंने आपको कही क्यों सब्सटेंसटा आपंकर चार्जर फ्लो हो पारे ना, तो आपर चार्जर फ्लो आपंकर इन्सुलेटर दे ही पारे ना, तो मन रखिए इन्सुलेटर आप चार्ज क्यारि करे ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला द वैल्यू ऑफ ह्विच क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो आपको कही क्यों मैंने आपंकर कहार क्वांटिटी मैंने आपको कही क्या क्वांटिटी वैल्यू मैंने कहार वैल्यूटा सब आपर अनचेंज रो यूनिट आम नौ सब अनचेंज रो तो सी हूँ आप स्पेसिफिक ग्राविटी। सो स्पेसिफिक ग्राविटर वैल्यूटा जेकोसी यूनिट आम नौ तो आपर कौन नब मैंने आपर सेम रनचेंज रो। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला ह्वाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इंपोर्टेंट सो आपर एयर मैंने आप मैंने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो एयर मीडियम आम जब देखा तो साउंड स्पीड के तो साउंड स्पीड हूँ 332 मैंने 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट द वर्किंग ऑफ ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वाच इज बेस्ड ऑन दि ह्विच इफेक्ट। तो आप मैंने आप क्वार्ट्ज क्रिस्टलटा आपंकर वर्क करवा कौट वर्क कर वाच रे तो यहाँ आपर क्यों फेनोमेनन जो यहाँ मैंने आपंकर वर्क कर तो मन रखिए ये पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आप कौन कर वर्क कर तो आप मन रखिए यहाँ हूँ पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप। तो आपर परमानेंट मैग्नेट गुड़ा तो आप स्टिले या। नेक्स्ट पॉइंट देला
आपणकर ड्यूरींग ए फग द भिजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड दिस इज बिकज अफ दि ह्विज फेनोमेनन तो आपर फग टाइम जितने कुहुड़ी होता है से आपर कौन ना आप रास्ता ठीक से देखा जाए ना तो यहाँ गोटे आपर कौन ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेनन मन रखिए इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट दला वेटले आपको देला वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन ए स्पेसशिप इज ड्यू टू तो आपर ड्यू टू आबसेन्स अफ ग्राविटी नेक्स्ट पॉइंट दला Which device is used to find submerged object important? Submerged object को आपणकर डिटेक्ट करिया पई फाइंड करिया पई सोनार यूज करा जाय कोन यूज करा जाय सोनार नेक्स्ट पॉइंट दला व्हाट कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट तो आपण कहि एसी टू डीसी को के कन्वर्ट करे तो एसी को डीसी रे कन्वर्ट करे रेक्टिफायर के कन्वर्ट करे रेक्टिफायर इंपोर्टेंट एसी टू डीसी कन्वर्ट करे रेक्टिफायर नेक्स्ट पॉइंट दला व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर तो न्यूक्लियर रिएक्टर आपर मॉडरेटर हिसाब से क्या यूज कराए जानते तो ग्राफाइट को आपर मॉडरेटर हिसाब से यूज कराए क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर नेक्स्ट पॉइंट आपला व्हिच डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी तो आपर किए लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते तो सी हूँ आपर फोटो इलेक्ट्रिक सेल नेक्स्ट पॉइंट दला यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड तो आमने आपर पावर ऑफ लेंस को आम क्यों थे मापी था तो आपर डायोप्टर मापी था नेक्स्ट पॉइंट दला व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी रा यूनिट रेडियो एक्टिविटी जदि आम कह तो आप पचार डिस्कोवरी किए करते तो आपर ब्राक्वेल करते हेनरी ब्राक्वेल तो आप रेडियो एक्टिविटी रा यूनिट हो क्यूरी नेक्स्ट पॉइंट एन ऑब्जेक्ट हैज टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ डैश टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर तो आपर के तो सेटा हूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड सेटा हूँ के 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट आपको देला व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव तो लाइट वेव लेंथ टाको आम क्यों थे मापी था तो मन रखिए आनस्ट्रंग यूनिट मापी था क्यों मापी था आनस्ट्रंग यूनिट मापी था नेक्स्ट पॉइंट आपको देला ए शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज शॉर्ट ड्यूरेशन वेव को आम कही था कौन ना पल्स कौन कही था पल्स कही था नेक्स्ट पॉइंट देला व्हेन डिड आइनस्टाइन प्रपोज दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी सो क्यों मसीहारे आपणकर कौन आइनस्टाइन प्रपोज करते तो मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी सी हूँ आप 1905 मसीह नेक्ट पॉइंट दला व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी वेरी इंपोर्टेंट सो लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट हो कांडला नेक्स्ट पॉइंट आपको देला व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स आम जब यूनिट कह तो सी हूँ आप मैक्सवेल किए सी हूँ मैक्सवेल नेक्स्ट पॉइंट आपको देला व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट हूँ ओम इनटू मीटर ओम मीटर हूँ आप कौन ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट नेक्स्ट पॉइंट देला द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम सो विजिबल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ रेंजटा हूँ आप 390 to 700 नैनोमीटर 390 to 700 नैनोमीटर विजिबल नेक्स्ट पॉइंट आप ए वाशिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरी इंपोर्टेंट वाशिंग मशीन रो आपनकर प्रिंसिपल टा कोन रोजी वर्किंग प्रिंसिपल सो वाशिंग मशीन रो आपनकर वर्किंग प्रिंसिपल रोजी सेंट्रीफ्यूगेशन नेक्स्ट पॉइंट दला व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड व्हाट हैपेंड टू द एक्सेलरेशन जितले गोटे बॉल टा को आमे ऊपर को फोपाड़ी देवा से एक्सेलरेशन कौन हम तो आपनर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहइबो कौन हम ना कांस्टेंट रहइबो नेक्स्ट पॉइंट दला मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप व्हिच टाइप ऑफ लेंस तो मैग्नीफाइंग ग्लास रे आपनर कॉन्वेक्स लेंस यूज करा जाय कोन यूज करा जाय कॉन्वेक्स आपनर कॉन्वेक्स लेंस नेक्स्ट पॉइंट दला व्हाट कलर विल ए रेड कलर माने आपन दला व्हाट कलर विल ए रेड ग्लास अपीयर इफ इट इज हीटेड इन ए डार्क रूम जदि आपन कोन ना गोटे रेड ग्लास टा को आमे कोन करिबा ना हीट करिबा गोटे डार्क रूम रे तो सी आपनर क्यों कलर रे आपनर कन्वर्ट हो जीवो तो सी आपनर ग्रीन कलर रे आपनर कोन ना कन्वर्ट हो जीवो नेक्स्ट पॉइंट दला व्हाट हैपेंड टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड टू इट तो आपनर वाटर सरफेस टेंशन ऊपर कोन प्रभाव पड़ो जितने आम सोप और डिटर्जेंट एड कर दबा तो सी आपनर सरफेस टेंशन को कमाई दबा डिक्रीजेस नेक्स्ट पॉइंट दला द वैल्यू ऑफ जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी इज मैक्सिमम एट तो आपण जानते यहाँ आपको आप प्रीवियस ईयर पेपर में पचारा तो आपंकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी आपर पोल सब मैक्सिमम कौट मैक्सिमम पोल सब मैक्सिमम मन रखिए एट पोल नेक्स्ट पॉइंट आप दिला व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट तो आपर क्यों इंस्ट्रूमेंट द्वारा अल्टीट्यूड मपा जाए तो आप जानते अल्टीमीटर द्वारा नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस
तो आपंकर भल्यूम अफ मैंने आप चेज इन भल्यूम अफ दि सब्सटेंस को मापाप तो आम डायल आप डायलाक्टोमीटर यूज करता कौन यूज करते डायलाक्टोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर दि डेप्थ अफ ओसन ओसन डेप्थ मापाप कौन यूज करता इंपोर्टेंट पॉइंट तो आप जानते फाटोमीटर यूज करता। नेक्स्ट पॉइंट देला द पावर अफ दि इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड विथ ए तो इलेक्ट्रिक सर्किट्र पावरटा को आम के मापि था तो आपंकर व्वाट मीटर व्वाट मापि था। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर दि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड तो आपंकर लाइट्र स्कैटरिंग को मेजर करने आम नेफेलोमीटर यूज करता कौन यूज करता नेफेलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच इज मोर इलास्टिक स्टील और रबर इंपोर्टेंट तो आप स्टील और रबर भितर किए मोर इलास्टिक तो आम जब देखा यंगस मॉडुलस तो आपर स्टील हो सब इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच इज द ओनली नेचुरल मैग्नेट तो आपर मैग्नेटाइट हूँ गोटे नेचुरल मैग्नेट इंपोर्टेंट मैग्नेटाइट हूँ गोटे नेचुरल मैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हाट प्रिंसिपल इज यूज इन द डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन तो क्यों प्रिंसिपलटा आपर मैंने आपर शिप आउ सबमरीन को डिजाइन करिया रे व्यवहार होता है तो सी हूँ आर्कमेडिस प्रिंसिपल सी कौन इंपोर्टेंट आप मन रखिए सी आउ सब मेरीन आपणकर कौन ना सीप आउ सब मेरीन को डिजाइन करने आप आर्कमेडिस प्रिंसिपल यूज कराए। नेक्स्ट पॉइंट आप न्यूक्लियर फ्यूजन आर इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन मुझे थ्योरी क्लास न्यूक्लियर फ्यूजन आपंकर न्यूट्रॉन द्वारा इनिशिएट कराए क्या द्वारा न्यूट्रॉन द्वारा आपंकर इनिशिएट कराए तो न्यूक्लियर फ्यूजन कथा कह आटम बम प्रिंसिपल जानते हाइड्रोजन बम कह न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट द वेयर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक हीटर वेयर निक्रोम आपड़े मन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देला ड्यूरिंग सोनोग्राफी व्हिच टाइप ऑफ वेव आर यूज तो सोनोग्राफी समय आपर अल्ट्रासोनिक यूज मैंने आपर वेव यूज कराए। नेक्स्ट पॉइंट आप डायोड आपर बल्ब व्वाज डिस्कवर्ड बाय तो आप जो डायोड आपर बल्ब रहा तो डिस्कवर करले सार जे एस फ्लेमिंग डिस्कवर करते। नेक्स्ट पॉइंट आप गेव द फास्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी सो आपर जी रैल्यू फास्ट आपर किए देते तो आप हाइड्रोजन किए डिस्कवर करते कावेंडिस तो आपर फास्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी तो सी देते कावेंडिस। नेक्स्ट पॉइंट आप देला हु शोड दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव आर इक्वल इन वैक्यूम सो आप किए देखते जे आप इलेक्ट्रिक वेव आ मैग्नेटिक वेवटा आपर इक्वल बिहेवियर शो करे वैक्यूम रे तो आप देखते जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून सो मून रो एस्केप वेलोसिटी होची केते ना 2.38 किलोमीटर पर सेकंड मून रो एस्केप वेलोसिटी होची 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट आपन पई व्हाई डज ए लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू अज्यूम ए स्फेरिकल शेप सो लिक्विड ड्रॉपटा स्फेरिकल रहे कौन पई जानिछंती तो आपनकर राइज ऑफ लिक्विड जदि आपन पचला तो सी हब आपनकर कैपिलरी एक्शन जदि आपनकर जदि आपन स्फेरिकल शेप पचला तो सी हब आपनकर सरफेस टेंशन। नेक्स्ट पॉइंट देला द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स तो आपर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सो रेजिस्टेंस टा आपर कौन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया जानते आपर रेजिस्टेंस टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये आप मन रखिए जानपाले तो आम 100 क्वेश्चन कम्प्लीट कले तो ये आम डिस्कसन करवा आपर केमिस्ट्री 50 फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम सो आप नेचुरल रबरटा आप गोटे पॉलीमर जोटा कि आपर आइसोप्रीन यूनिट रू डिराइव्ड होता है मन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आप द कोटिंग ऑन नॉन स्टिक कुकवेयर इज फ्रॉम तो आपर नॉन स्टिक कुकवेयर आप जो कोटिंगटा दिया था तो सेटा हूँ आपर पॉली आपर कौन ना टेट्राफ्लोरो इथिलीन कहपर टेफ्लन पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन आपर टेफ्लन तो आप मन रखिए नॉन स्टिक कुक यूटेंसिल आपड़ जो कोटिंगटा व्यवहार होता है तो सी हूँ टेफ्लन। नेक्स्ट पॉइंट आप द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द सन सरफेस रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ डैश आटम तो न्यूक्लियर फ्यूजन बल में तो आपर क्यों आटमटा फॉर्मेशन होता है तो सी आपर हूँ हीलियम आटम फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सॉल्युबल इन सो ऑर्गेनिक कंपाउंड गुड़ा ओनली आप नॉन पोलर सॉल्वेंट रे आपर सॉल्युबल। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला डैश इज ऑल्सो नोन एज आपणकर फूल्स गोल्ड सो आपणकर फूल्स गोल्ड का कहे इंपोर्टेंट तो आपर क्या आपर कौन कौन ना आपर फूल्स गोल्ड बोली कहुए तो सी हूँ आप आयरन पायरेट को आपर फूल्स गोल्ड बोली कहुए। नेक्स्ट पॉइंट
इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस डैश हैपेंड। सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे कौन होता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे आपन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन गोटे लॉस होता है तो जानी जानते। नेक्स्ट पॉइंट देला ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर, तो मेटल ऑक्साइड माने आपनकर कौन ना जनरली अल्कलाइन। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला ओजोन इज डैश इन नेचर, सो ओजोन गोटे आपन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर इज दैट ऑफ डैश, सो आपन पेपर रा केमिकल कंपोजिशन इज दैट ऑफ सेलुलोज, तो मन रखिए सेलुलोज। नेक्स्ट पॉइंट देला पारा आपन देला पाराफिन वैक्स, सो पाराफिन वैक्स गोटे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मन रखिए पाराफिन वैक्स गोटे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट पॉइंट आपन पे इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक्स इज पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल फाउंड, तो क्यों प्रकार रॉक रु आपन पेट्रोलियम पदार्थ गुड़ा आपन मिलता है, तो सी हूँ सेडिमेंटरी रॉक, इंपोर्टेंट सेडिमेंटरी रॉक। नेक्स्ट पॉइंट आपन पे देला डैश इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट गोल्ड, सो क्या आम ऑल्सो व्हाइट गोल्ड बोली कही था, तो सी हूँ आप प्लाटिनम, प्लाटिनम को आम अदरवैज आपंकर व्हाइट गोल्ड बोली कही था। नेक्स्ट पॉइंट आपन पे देला व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो आयरन प्योरेस्ट फॉर्म हूँ आप रॉट आयरन, किए रॉट आयरन हूँ प्योरेस्ट फॉर्म जानते। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच ओर इज यूज टू एक्सट्राक्ट रेडियम, तो रेडियम को एक्सट्राक्शन करियारे आपनर पिच ब्लेंड यूज कराए, कौन यूज कराए पिच ब्लेंड। नेक्स्ट पॉइंट देला शोल्डर इज एन आलॉय ऑफ, शोल्डर गोटे कहार आलॉय, तो शोल्डर आप मन रखिए गोटे टीन आउ लेड्र आलॉय। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला व्हिच रेडियो आक्टिव आइसोटॉप इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो आपर कोबाल्ट 60 को आपंकर रैडन को मध्य रैडन हूँ गोटे आप रेडियो आक्टिव एलिमेंट जोटा कि हूँ नोबेल गैस एलिमेंट, तो ताको आपर कैंसर ट्रीटमेंट यूज कराए, तो आपंकर कोबाल्ट 60 की मध्य यूज कराए। नेक्स्ट पॉइंट देला डैश इज द एलिमेंट कमन टू ऑल एसिड, सो आपर जानते हाइड्रोजन हूँ सब एसिड रे कमन। नेक्स्ट पॉइंट देला डैश इज क्रिएटेड बाय आलोइन आयरन आउ क्रोमियम, तो आयरन आउ क्रोमियम को आलोय माने आयरन आउ क्रोमियम रो आलोयटा को आम कौन कही था, तो ताको आम कही था कलंकी विहीन इस्पात बा आपनर स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट पॉइंट देला द लॉसर ऑफ मेटल इज ड्यू टू, मेटल लॉसर आपनकर का पाई ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपनर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस जो मेटल गुडा आपन जनरली लॉसर। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड इन आपनर क्लोरोफिल, सो क्लोरोफिल आपनर मैग्नीशियमटा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देला द मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सो अर्थ क्रस्ट सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट बा आपनकर अबुंडेंट एलिमेंट होउछ आपनर ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट देला तो आपनकर द टर्म कैटलिस्ट कैटालीसीस वाज कॉइंड बाय, तो आपनर कैटालीसीस जो ये प्रोसेसटा को आपको किए फास्ट कॉइन करथिले, तो सी होउछन आपनर जॉन जैकब बर्जेलियस, जॉन जैकब बर्जेलियस। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच एलिमेंट इज द प्राइमरी रीजन फॉर रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो आपर क्यों एलिमेंटा हूँ रेडियो आक्टिविटर प्राइमरी आपर कज, तो आपर प्राइमरी रीजन इन ह्यूमन बॉडी, तो सी हूँ आप पोटासियम 40। नेक्स्ट पॉइंट देला जर्मानियम एंड आपर अल्ट्रा प्योर मेटल इज प्यूरीफाइड व्हिच मैंने आपर व्हिच मेथड, तो आपर जर्मानियमटा को आप जोन रिफाइनिंग प्रोसेस प्यूरीफाई कराई थाए। नेक्स्ट पॉइंट देला तो आप देला टूथ एनामेल इज मेड अप अफ, तो आपर टूथ एनामेलटा आपर कौर ना आपर हाइड्रो आप हाइड्रोक्सीपाटाइट ए मिनेराल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम आउ फॉस्फेट, तो आपन मन रखिए कैल्शियम आउ फॉस्फेट गोटे मिनेराल कंपाउंड द्वारा टूथ एनामेल को प्यूरीफाई कराए। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच गैस इज फिल्ड इनसाइड ए ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट भितर आपर मर्क्यूरी वेपर आउ आर्गन वेपर आपर फिलअप कराए। नेक्स्ट पॉइंट देला आपला डैश इज एन एक्वस सल्यूशन अफ एसीडिक एसीड, तो एसीडिक एसीड आपर भिनेगार होती एसीडिक एसीड मेन कन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट पॉइंट आप व्हिच विटामिन आर वाटर सल्युबल, तो आप जानते बी सी को छाड़देले आउ सब आप फैट सल्युबल ये दुटा होती वाटर सल्युबल। नेक्स्ट सिल्वर टर्न्स ब्लैक जोटा कि होती टार्निश बिकज ऑफ व्हिच रिएक्शन, तो आपर सिल्वर टर्न्स आपर ब्लैक तो ड्यू टू रिएक्शन विथ सल्फर। नेक्स्ट पॉइंट देला मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ, सो मेल्टिंग ऑफ आइसटा आम केमी प्रिवेंट करदे, तो बाय द यूज ऑफ गैलाटिन। नेक्स्ट पॉइंट देला ए बी स्ट्रिंग आपला बी स्ट्रिंग कंटेन व्हिच एसिड, सो बी स्ट्रिंग आपर इंपोर्टेंट, तो आप मिथानोइक एसिड कंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देला एन ऑरेंज कंटेन डैश एसिड, सो ऑरेंज आपर साइट्रिक एसिड, ऑरेंज लेमन ग्रेप्स एगुड़ा सब साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट इचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद द हेल्प ऑफ इंपोर्टेंट, तो इचिंग ऑफ ग्लास आपर बाय द हेल्प ऑफ एचएफ बा हाइड्रोजन मैंने आपर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहीपर। नेक्स्ट पॉइंट
व्हिच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट आपनर जो सॉफ्ट ड्रिंक रहला तो सॉफ्ट ड्रिंक रे आपनर तो आमे इट क्वेश्चन डिस्कशन करथले इंपोर्टेंट तो सी होजी कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक्स आपन पिउजन सो कोल्ड ड्रिंक्स रे आपन देखिथिबे लेखा आइथिबो कार्बोनेटेड वाटर तो सी होजी कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट दला सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड एज ए सीड सीड एजेंट फॉर मेकिंग। सो सिल्वर आयोडाइड आपनकर आर्टिफिशियल रेन आपनकर फॉर्मेशन करिवार यूज हेतै सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट पॉइंट आपन पय रहला डैश इज यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ तो आपनकर सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो आपनर प्लैटिनम को यूज करा जाय प्लैटिनम को कोन पय यूज करा जाय आपनर सल्फ्यूरिक एसिड सिंथेसिस कांटेक्ट प्रोसेस रे। नेक्स्ट देला वनस्पति घी इज सिंथेसाइज विथ द हेल्प ऑफ व्हिच कैटलिस्ट। सो आपनर वनस्पति घी को आम निकल कैटलिस्ट सहायता रे यूज माने कोन प्रिपरेशन करथौ। नेक्स्ट पॉइंट देला स्वेलिंग ऑफ ब्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ तो आपनर ब्रेड रो स्वेलिंग टा आपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडा हाई दै। नेक्स्ट पॉइंट देला सिगरेट लाइटर कंटेंट डैश गैस। सो आपनर जो लाइटर रहला तो लाइटर आपनर ब्यूटेन गैस थाए। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर तो आपनर फायर एक्सटिंग्विशर आपनर कौन ना आपनर कार्बन डाइऑक्साइड थाए। नेक्स्ट पॉइंट देला डैश इज टर्न्ड एज मेटल ऑफ फ्यूचर तो क्या मेटल ऑफ फ्यूचर बोली कहुए तो सी हूँ आपनर टिटानियम तो टिटानियम को आपनर मेटल ऑफ फ्यूचर बोली कहुए। नेक्स्ट पॉइंट देला सेफ्टी मैचेस आर प्रिपेयर्ड यूजिंग सो सेफ्टी मैचेस अब मैच स्टिक सो मैच स्टिक रे आपनर रेड फॉस्फोरस थाए। नेक्स्ट पॉइंट देला ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंटेन डैश मेटल सो फोटो इलेक्ट्रिक सेल आपनर सेलेनियम थाए। नेक्स्ट पॉइंट आपन भाई जिंक आपनकर जिंक फॉस्फाइड इज यूज्ड एज सो जिंक फॉस्फाइड टा आपनकर रे रैट पॉइजन हिसाब यूज करे जिंक फॉस्फाइड रैट पॉइजन। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी रे सबटु हार्डेस्ट सब्सटेंस होजी टू थेनाविल। नेक्स्ट पॉइंट दला ओजोन इज एन इजन डैश ऑफ ऑक्सीजन तो ओजोन जानछन गोटे ऑक्सीजन नो आपनर एलोट्रोपिक फॉर्म। नेक्स्ट दला व्हिच मेटल इज नेचुरली एंटीबैक्टीरियल सो कॉपर होची आपन गोटा फास्ट मेटल जो फास्ट ह्यूमन यूज करथला तो ये होची गोटे आपन नेचुरल एंटी आपनर बैक्टीरियल। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वाज द फास्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर बिग बैंग सो बिग बैंग पर फास्ट मेटल प्रोड्यूस होता तो फास्ट एलिमेंट तो सी होची आपनर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होची फास्ट एलिमेंट प्रिपेयर होता। नेक्स्ट दला इफ यू पोर ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर द आपनर वाटर लेवल विल तो आपन को जदि गोटे आपनर कौन करिवे ना गोटे ग्लास ऑफ वाटर रे गोटे आपनकर कौन ना गोटे हैंडफुल ऑफ सॉल्ट पकेबे तो सी कौन हबो ना सी आपनर वाटर टा गो डाउन माने आपनर से जो आपनर सॉल्ट टा तो आपनर कौन हबो ना आपनर तळे जाय कि फर्स्ट ऑफ ऑल तळे जाय बसिबो सो सेटा आपन को पचार छी जान पेले। तो आमर एटा 100टा एमसीक्यू क्वेश्चन हेला आपनर केमिस्ट तो ओवरऑल हम कंप्लीट करले दीटा वीडियो रे 100टा फिजिक्स क्वेश्चन 100टा केमिस्ट्री क्वेश्चन। तो आपन जदि फर्स्ट क्लास रो वीडियो देखिना तो मु आपन को आई बटन ने डिस्क्रिप्शन ने मध्ये लिंक दे देबी तो आपन जाय डायरेक्टली देखि परिवे। सो जदि आपन को वीडियो भल लागछि तो लाइक करिवे शेयर करिवे आ चैनल को जदि नुवा आथिबे त चैनल को सब्सक्राइब करि ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे प्रत्येक क्लास रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो थैंक यू।